वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे आज की वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूं होंडा अमेज 2014 मॉडल है, उसके अंदर जो इस तरह का इंटरफेस है, इंटीरियर इस तरह का है, उसमें मिरर स्टम की जो क्लॉक सेटिंग है, ये क्लॉक सेटिंग किस तरह से करते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो बात करते हैं होंडा अमेज 2014 मॉडल के अंदर इस तरह इंटीरियर है, उसमें मिरर स्टम के अंदर जो क्लॉक सेटिंग है किस तरह से करते हैं। तो क्लॉक सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपको सेटअप का बटन दिख रहा होगा, सेटअप को बटन को आप जैसे पुश करेंगे तो सेलेक्ट ऑफ आ रहा है। एक बार फिर पुश करिए, एक बार फिर पुश करिए और एक बार फिर पुश करिए, चार बार पुश करेंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा क्लॉक। जैसे क्लॉक 14:35 आ रहा है तो अभी हो रहा है 15:20। तो अब जैसे इसको राउंड करेंगे, जैसे राउंड करेंगे तो इसमें 15:00 पुश कर दिया और ये 45 मिनट, ठीक है, इसको पुश कर दिया। आपको चाहिए कि मुझे 15:45 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि 3:45। तो ये जो भी टाइम बता रहा है वो 24 आवर के अंदर है, आपको चाहिए मुझे 12 आवर के अंदर चाहिए, तो उसके लिए आपको वापस सेटअप के अंदर जाना पड़ेगा। अब पुश करेंगे जब तक क्लॉक आ जाए, एक बार फिर पुश करेंगे तो 24 का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको राउंड करेंगे तो ये 12 आवर का ऑप्शन हो गया। जैसे आप पुश करेंगे तो 3:45। तो ये 12 आवर के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप जो है मिरर स्टम के अंदर क्लॉक सेटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राम राम।